ओके गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हैकिंग विद पाइथन सीरीज। तो हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आज मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर हैकिंग। टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर हैकिंग विद पाइथन बोल रहे हैं तो पाइथन ही है। बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर हैकिंग इज पाइथन, नो डाउट पाइथन। क्योंकि यार अगर इसमें बात करें कि पाइथन ही क्यों चाहिए, तो ये मैंने नीचे क्वेश्चन ले रखा है, व्हाट इज़ पाइथन एंड वाई पाइथन। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। बट बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब तो सीधा सीधा मैं बताऊँ तो पाइथन ही है, और क्यों है ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ बेसिकली अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल। और वाई पाइथन के लिए, तो देखो पाइथन सबसे पहली बात है, मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मतलब बड़े बड़े कोड्स को हैंडल करने में काफ़ी ईजी रहेगा। उसके बाद है हाई लेवल है, सिंटैक्स बहुत इजी है, और सेमी कॉलन्स का कोई झंझट नहीं है। इंडेंटेशन एरर्स आती है, जो कि आज के टाइम पे कोई भी IDE इजीली तुम्हें हेल्प कर सकता है जिसमें, जो कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो तुम्हारी नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है हर चीज़ की लाइब्रेरी है। हैकिंग के लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बना रखी है, काफ़ी हर चीज़ के लिए ही लाइब्रेरी है, तो कोड तुम्हारा बहुत ईजिली हैंडल हो सकता है। क्योंकि कुछ बहुत बड़ा सिंटैक्स नहीं है, बहुत छोटा सा सिंटैक्स है, तुम डेटा टाइप्स को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल बनाने में कोई झंझट नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया, सिंटैक्स सिंपल, लाइब्रेरीज की हेल्प मिल रही है, तो सारा काम आसान होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये काम कितना आसान हो सकता है, तो देखो अगर मैं कोई फजर भी बना रहा हूँ पाइथन में, कोई वेब फजर, नॉर्मल सी बात है वेब फजर, तो मुश्किल से मुश्किल 12 या 15 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो असेंबलर लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड लिखने में हो जाता है। तो अगर मैं इधर एक नॉर्मल सा वेब फजर बनाऊँ, चलो इसको पहले सेव कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सिंटेक्स मिल जाए फजर डॉट पी वाई के नाम से। एक एग्जाम्पल के लिए हम फजर बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। तो हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेंगे रिक्वेस्ट, जो कि हमें हेल्प करेगी इसको लिए चीज़ों को मैनेज करने में। URL हम अभी अपनी वेबसाइट ही ले लेते हैं, venomgrills.com। और इसके बाद हमें एक वर्ड लिस्ट चाहिए, जो कि मेरे पास common.txt पड़ी होगी सेम फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर होगी। इसे हमें रिकर्सिवली रीड करने के लिए करना है, तो हम इसे रीड मोड में ऑन करेंगे। तो एक काम करते हैं, ओके, ये है common.txt, जो कि मैंने अभी डाउनलोड करके रखी है। ठीक, तो अब एक फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर पाथ इन OP, या फिर इसे रीड भी करना है तो डायरेक्टली, या तो यहाँ पे रीड लाइन्स लगा सकते हो, या फिर मैं ऐसे दे देता हूँ रीड इक्वल्स टू ओपी डॉट रीड लाइन्स। फिर अब एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर पाथ्स इन रीड, पाथ इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ कि इधर मैं न्यू लाइन कैरेक्टर्स को हटा दूंगा, न्यू लाइन कैरेक्टर्स को हटा दूंगा, ताकि कोड में थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो। न्यू लाइन विथ खाली, ठीक है। तो अगर मैं अब प्रिंट करूँ URL को, तो अगर मैं इधर एक फाइनल URL नाम का वेरिएबल बनाऊँ और प्रिंट करवाऊँ, या फिर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ, वेरिएबल बाद में बना लूँगा, प्रिंट URL प्लस बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और हमारा जो पाथ। अगर मैं अब इसे प्रिंट करवाऊँ, तो देख सकते हो कि एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है टूल का। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर ही चला जाता हूँ, CMD ओपन करता हूँ, यहाँ पे फजर दिख ही रहा है, तो पाइथन फजर डॉट पी वाई। तो मैंने इसे सेव नहीं कराया गैस, ठीक है, पाइथन फजर डॉट पी वाई। तो देख सकते हो सारी URLs एकदम परफेक्टली आ रही हैं। अब बस इनका स्टेटस कोड लेना रह रहा है। तो स्टेटस कोड लेने का सिंपल तरीका है, ये हमारी फाइनल URL हो जाएगी, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइनल URL इक्वल्स टू दिस। अब स्टेटस लेना है तो लिख लेते हैं नाम, या स्टेटस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट फाइनल URL डॉट स्टेटस कोड, ये बन जाएगा। तो इफ स्टेटस इक्वल्स टू 200, और स्टेटस इक्वल्स टू 403, मतलब मेरे को यही दो स्टेटस कोड चाहिए अभी फिलहाल के लिए। तो प्रिंट करो फाइनल URL को, प्लस हम स्टेटस कोड भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे कि स्ट्रिंग स्टेटस को, ओके, स्टेटस प्रिंट कर दो स्टेटस कोड भी, ताकि मुझे पता रहे कौन सी 403 है, कौन सी 200 है। एल्स पास, कि अगर कोई और स्टेटस कोड है तो पास कर दो, मतलब कि 404 चूंकि नॉर्मल है, या कोई और, इसको कर देते हैं सेव एक बार।
ओके तो अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और अब मैं इसे रन करूँगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और अब मैं इसे रन करूँगा। तो एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ तो देख सकते हो पहली यूआरएल जो कि खाली थी उसका 200 रिस्पॉन्स आया है, बाकी ये 403 है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार रिस्पॉन्स को भी वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली। तो मैं इसे कॉपी कर लिया है तो इधर चलते हैं एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हो 403 फॉरबिडन, बाकी 200 का है ये वाला, तो ये तो नॉर्मल ही है तो 200 ही आना। तो देख सकते हो कि मैंने मुश्किल से मुश्किल 15 लाइन के अंदर 13 लाइन के अंदर मैंने एक कोड लिखा जिसमें हमारा एक अच्छा खासा वेब फजर तैयार हो गया। अगर कोई बंदा बोले कि भाई यूआरएल हम लोग देना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो बस एक सिंपल चेंज करना है हमें और कुछ नहीं है। इनपुट इक्वल्स टू एंटर द यूआरएल और हमारा ये फंक्शन भी यहाँ पे एक तरीके से तैयार है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे बंद करूँ तो देख सकते हो एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब ये 200 रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि इस यूज़र नेम का, इस नाम का एक यूज़र नेम है मेरी वेबसाइट पे, तो इसलिए ये 200 दे रहा है इसे। अंडरस्कोर टेस्ट है, चलो मैं इसे कॉपी की जगह यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अगर मैं इधर अंडरस्कोर टेस्ट लिखता हूँ तो देख सकते हो प्रोफाइल खुल जाएगी टेस्ट की, तो इस तरीके से। तो ये तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम खुद की यूआरएल भी दे सकते हैं। तो अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ फजर को, तो अब ये बोलेगा कि अपनी कोई यूआरएल दो। तो इस बार मैं कोई और यूआरएल लेने वाला हूँ, तो darksocietypenetration.com इसको ले लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आई विल हिट एंटर। और अब देख सकते हो एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है। एक 200 का रिस्पॉन्स आ गया, बाकी अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, ना ही 403 ना ही 200। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो इधर प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। .git/head एक रिस्पॉन्स आया यहाँ पे .hta, तो चेक करते हैं कि ये सही है या कुछ गलत है। ओके 403 फॉरबिडन, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो देख सकते हो एक अच्छा खासा कोड नियरली 15 लाइन के अंदर कंप्लीट हो गया। तो इसने आंसर दे दिया होगा कि वाई पाइथन, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसा कुछ जादू नहीं करा, फाइल हैंडलिंग करी, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, फॉर लूप लगाई, यूज़र इनपुट लिया, तीन चार काम करे और पूरा कोड ख़त्म। वो तीन चार काम भी मेरे 13 लाइन के अंदर ख़त्म हो गए। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सक्लूड कर दूं इधर से तो 12 लाइन हो जाएगा। तो कोड काफ़ी छोटा बन गया है और बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए कहते हैं कि पाइथन यूज़ करो क्योंकि पाइथन में सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। यूज़र इनपुट एक लाइन में ख़त्म हो गया। ये यूज़र इनपुट अगर कोलैंग में लेने जाओगे तो कम से कम 4 लाइन का तो यूज़र इनपुट आता है, कम से कम 4 लाइन का। अगर पूरा कोड देखोगे तो करीब 12-13 लाइन में तो खाली यूज़र इनपुट आएगा गोलैंग में। तो अब उस हिसाब से लगा लो कि पाइथन कितनी हैंडी और इजी है। फिर फाइल हैंडलिंग की बात करें तो हमने कुछ नहीं यहाँ पर, ये कुछ दो तीन फंक्शंस निकाले। हम चाहते तो रीड लाइन को डायरेक्टली इधर भी लगा सकते थे, डॉट रीड लाइन्स करके यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन को लगा सकते थे, तो ये लाइन भी कम हो जाती। बट इतना भी मैं शॉर्टकट ले नहीं लेने वाला स्टार्टिंग में ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, इसलिए नहीं लेना चाहता। तो ये एक रीज़न, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे दो क्वेश्चंस का कि व्हाट इज़ पाइथन। चूँकि मैंने बताते एक हाई लेवल लैंग्वेज है, 1991 में आई थी, 30 साल हो चुके हैं इस लैंग्वेज को। हाई लेवल है तो इंटरप्रेट होती है और लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो काफ़ी बड़े कोड्स को हैंडल करना ईजी है। और वाई पाइथन में मैंने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे दिया कि पाइथन को ही क्यों यूज़ करना है या पाइथन में ऐसा क्या है जो यूज़ करना है। तो बड़े बड़े कोड ईजिली लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क, ये पाइथन के लिए बोल सकते हो कि यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क होता है, तो काम सारा इजी हो जाता है। आई गेस इस वीडियो के लिए, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो काफ़ी है। मुझे नहीं पता बट ये वीडियोस कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी बन रही हैं। आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा या कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना। एंड आई गेस इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और कल देखेंगे यार, ये प्री रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन हटाओ यार, इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, एक बिगिनर भी सीख सकता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो बाय, और कमेंट में बता देना अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो। ठीक है, बाय।